आज जब मैं पुष्पा के साथ खेल रहा था तो मुझे अचानक से मेरे रोतु दोस्त की कॉल आई और उसने रोते रोते मुझसे कहा कि मेरी कैट को पीरियड्स हो गए हैं। और ये सुनते ही मैं और पुष्पा दोनों ही शॉक्ड हो गए और पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारी कैट्स को पीरियड्स हो गए। साथ ही उसने जवाब दिया कि कल से मेरी कैट को ब्लीडिंग हो रही है। अपने रोतु दोस्त के साथ साथ मैं आपको ही बताऊंगा कि फीमेल कैट्स में पीरियड्स होते हैं या नहीं होते, ब्लीडिंग क्यों होती है इनके अंदर। इंसानों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और कैट्स के अंदर ईस्टर साइकिल होता है और ये दोनों साइकिल बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, जिसका मतलब है कि कैट्स को पीरियड्स नहीं होते इंसानों की तरह। कैट्स में ब्लीडिंग होने के काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। अगर वजाइनल एरिया से डिस्चार्ज आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी कैट को मिसकैरेज होने वाला हो, या आपकी कैट ने जब बेबीज डिलीवर करने होते हैं या कर देती है उस टाइम काफ़ी सारा ब्लड आता है। और उसके अलावा प्यूमेट्रा के अंदर भी थोड़ा बहुत पस के साथ ब्लड आ सकता है। और एनल एरिया से अक्सर स्टूल के साथ ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह डाइट्री इशू